वो मुझे लोग कहते हैं ये कतना की धूल, मुझे लोग कहते कौन है बाबा? मैंने आपको पहचाना नहीं। धर्म, आप नहीं पहचानते हो लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे ये क्या कर रहे हो आप? आप हमारे बाप की उम्र के हैं और हमारे पैर पड़ के हमको नरक में डाल रहे हो। आखिर आप हमारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? कौन हूं मैं? सब कुछ जानता हूं। क्या आप मेरे मालिक अमर सिंह के इकलौते बेटे धर्म सिंह हो? मैं अमर सिंह का बेटा हूँ। तो अमर सिंह के बेटे हो और मैं अमर सिंह की हवेली में माली गिरी का काम करता था, क्योंकि मैं भी उसी चांदपुर गांव का रहने वाला हूँ। अब चांदपुर गांव के रहने वाले? और तुम्हारे पिता जब तुम गोद में थे 1 साल की, और मेरी बेटी रश्मि थी 1 साल की, तो मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर के अपने मालिक अमर सिंह की हवेली को गया मालिक जी का काम करने के लिए। मेरे मालिक ने कहा, जाओ धर्म सिंह को गोद में लेकर के महल के अंदर दोनों बच्चों को पालने में डाल दो। मैं दोनों बच्चों को लेकर के महल के अंदर गया, इतने में देखा वहां तक पहुंचा ही नहीं कि मुझे फायर की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागता फौरन बाहर आया, देखा कि मेरे मालिक अमर सिंह का खून हो गया। खून करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा सगा चाचा जमींदार भूपेंद्र सिंह। और वो ही नहीं, जो भूपेंद्र सिंह का एक खास दोस्त है जिसका नाम है समर सिंह, वो बनारस में रहता है, और वही भूपेंद्र सिंह का एक नौकर है जिसे लोग कहते हैं लाला कुंज बिहारी। इन तीनों लोगों ने मिल करके मेरे मालिक अमर सिंह का खून कर दिया। बस करो बाबा, अभी तलक तो मैं ये समझता रहा किसी न किसी दिन हमारा परिवार मिल जाएगा। तुम दोनों को जब मैंने देखा कि मेरे मालिक का खून हो गया, तो मैं ताकि भागते भागते जा रहा हूँ थाने को, तुम लोगों ने मेरे मालिक का खून कर दिया है, तुम लोगों के खिलाफ थाने में फायर दर्ज करवाऊंगा। इतने में मेरे दोनों बच्चों को छीन लिया और कहा कि इनको गोली मार देंगे। तो उनके खुदामत करता रहा कि मैं कहा कि जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो दुनिया में जिंदा रहकर के मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ, खून तो मैंने किया है लेकिन अदालत के अंदर पुलिस के सामने एक खून का इल्जाम तुम्हें स्वीकार करना होगा। बेटा, तुम्हें और अपनी बेटी रश्मि को बचाने के लिए अपने मालिक के खून का इल्जाम अपने से ले लिया, जिसकी मैं 20 साल की सजा काट चुका हूँ। लेकिन पूछो तुम्हें पहचाना कैसे? तुम्हारे मेरे मालिक माँ वैष्णो देवी के मंदिर को गए थे, वहां से 4 लाके लाए थे। एक तो तुम्हें तुम्हारे गले में डाला था, दूसरा मेरे मालिक के गले में था, और एक लाकेट मुझे दिया था जो अपनी बेटी रश्मि के गले में डाला था, और चौथा लाकेट कहा कि जाओ महल के बाहर खूंटी में टंगा है उसे तुमने गले में डाल लेना। क्या? लेकिन बेटा धर्म, तुम तो मुझे मिल गए,
लेकिन मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। क्या कहा तुमने? जैसा लॉकेट मेरे गले में है ठीक वैसा ही लॉकेट तुम्हारी बेटी रश्मि के भी गले में है। वैसा ही लॉकेट मेरी बेटी रश्मि के गले में है। बाबा एक बात बताओ, अगर वैसा ही लॉकेट इस सोनी के भी गले में है कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं? क्या सोनी? सोनी नहीं, सोनी नहीं है, ये मेरी रश्मि है बेटी। ऊपर वाले तुझसे शिकायत तो बहुत है। ये सोनी नहीं, ये मेरे जिगर की टुकड़ी मेरी रश्मि है, और तुम भी मेरे जिगर के टुकड़े धर्म सिंह हो। बस करो बाबा, कसम है मुझे भारत माता की, इन हथियारों से अब तक मैं आतंकवादियों का सफाया करते आया हूं, और आज कसम खाता हूं कि जब तुमने जितने वक्त जितनी घड़ी जितने घंटे जेल में गुजारे हैं, अगर उन दरिंदों के उतने खून की धाराएं मैंने धरती पे ना बहा दी तो मेरा नाम धर्म सिंह नहीं है। तो बस करो, बस करो, और बाबर रो नहीं। बाबर रो नहीं, सारे गिन गिन के बदले चुका हूं मैं, जिसने आंखों दिया है और तेरी आंख में खून का उसके ये सोनी तुम्हारे पास हमारी अमानत है। आज धर्म सिंह प्रतिज्ञा करता है जब तलक अपने बाप के कातिलों को मौत के घाट नहीं उतार देता हूं तब तलक ऊपर वाला मेरी जिंदगी भी मुझसे छीन नहीं सकता। चाहता हूं बाबा बहुत जल्द लौट के आऊंगा, और आते ही उन दुश्मनों का सफाया ना किया तब मेरा नाम धरा। बेटा भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बेटी सोनी तुम मेरी बेटी हो, चलो आज से मेरी झोपड़ी में रहोगी। चलिए ठीक है बापू। क्या बताऊं दोस्तों, अब मैं देखो पुजारी हो चुका हूं, और अब चलते हैं कहीं काशी बनारस में जाकर के, और अलख जगाएंगे और सन्यास ले लेंगे। चलते हैं, और काशी चला जाऊं या बनारस चला जाऊं, काशी चला जाऊं या बनारस चला जाऊं, सबसे अच्छा अब तो गुनगुनाते हुए और काशी की तरफ जाएंगे, और हत्याहार होते हुए नहाते हुए और नैनी सारण चले आएंगे। चलते हैं, अरे राम राम कहो बारंबार, दोस्तों काफी वक्त लगा दिया मेरा दोस्त अमर सिंह अभी साले की हड्डी पसीना तोड़ के वापस की कुछ खबर नहीं बताया। ठीक है, मैं अपने दोस्त का इंतजार करते हैं। दोस्त बन अमर सिंह, बहुत बड़ा गजब हो गया मेरे यार।
कैसा गजब मेरे दोस्त? मन सुनो, और गजब हो गया दोस्त मन आज भारी, सुन रहे हो मेरे यार, और गजब हो गया दोस्त मन आज भारी, और दया मार से बच धर्म है हमारी, गजब हो गया दोस्त मन आज भारी, दया मार से बच धर्म है हमारी। हो लिया उसने पहचान मुनीम को है दोस्त मन, जो अपने लाला मुनीम कुंज बिहारी है ना, वो धर्म सिंह उनको अच्छी तरीके से पहचान गया है, क्योंकि मिठाई में नशीला पदार्थ गबड़ कर उन्होंने खिलाया था। ओ लिया उसने पहचान मुनीम को है, खुली बोले अब सब हमारी तुम्हारी, हो गया मेरे यार। अरे हम उस धर्म सिंह को मार ही रहे थे, अचानक हमने देखा एक लड़की और एक बुढ़ा उधर आ रहे थे, जिधर हम धर्म सिंह को मार रहे थे, आखिर में मजबूर होके हमें वहां से भागना पड़ा और धर्म सिंह जिंदा बच गया। मेरे दोस्त बन, वो साला जिंदा तो बच गया, हमारी तुम्हारे जान की आफत हो गई। अरे उसने लाला कुंज बिहारी को अच्छी तरीके से पहचान लिया है मेरे यार, ऐसा ना हो वो यहाँ से जाए लाला कुंज बिहारी के यहाँ, और लाला कुंज बिहारी को मारे धमकाए और उनको पीटे, पूछे कि हमने हमारे बाप का कत्ल किसने किया था, तो ये साला कुंज बिहारी मौत के डर से उसे सच सच बता दे सही तुम्हारे पिता का कत्ल भूपेंद्र सिंह और समर सिंह ने किया था। नहीं मेरे दोस्त समर साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए ठाकुर भूपेंद्र सिंह के इरादे कुछ अलग है। जिसे लोग कहते हैं थोड़े को पकड़ने के पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। मेरी बात सुनो, कहो मेरे यार, तो कर यही बात है, सुनो दोस्त भाई, गाओ करके पहुंचो वहां, मार दो साले को इस गरी चाहते बच न पाए वो तुम्हारा। आप कितने मेरे दोस्त मन, और मेरे दोस्त मन आपकी जान पे जान कुर्बान कर दूंगा मैं, दोस्त मन चाह तुम्हारा पसीना गिरे खून अपना वहां पर ज्यादा नहीं, अल है मेरे दोस्त मन, अल मेरे दोस्त मन इतने आज फोरे चले जाइए, पहुंचने का पता फिर ये मुश्किल ये हो जाओ। तेरे इरादे हैं रे? अरे तुम मुनीम के पास पूछने के पहले मुनीम मरा हुआ पाएगा रे मेरा दोस्त समर साहब, कहो मेरे यार। हाँ पैगाम, आज लाला कुंज बिहारी को टपक दो, जब सारा मर जाएगा तो हमारा तुम्हारा ठिकाना बताएगा कौन। सही कह रहे हो दोस्त मन, तुम चौपाल में आराम करो और मैं जा रहा हूँ लाला कुंज बिहारी के यहाँ। इससे पहले साला धर्म सिंह लाला कुंज बिहारी के यहाँ पहुंचे और लाला कुंज बिहारी से कुछ पूछे और कुछ वो बता पाए, उससे पहले साले लाला कुंज बिहारी को खत्म कर देंगे, और जब साला लाला कुंज बिहारी नहीं रहेगा तो
तो वो साला पूछेगा किससे कि हमारे बाप को मारा किसने था। ठीक है दोस्त बन में चलते हैं। जय गोपाल। कुछ बिहारी, अरे कुछ बिहारी, आज तक तूने मेरा नमक खाया, मेरी हमेली में रंगो रंग उड़ाया, आज साले हमरे दुश्मनी का तुम मकसद बनने वाला है, इसलिए तेरी जान मेरा दोस्त समर सिंह से। चलते हैं क्योंकि ये नीम सार दिखाई पड़ता है और यहीं पे ललिता महारानी के दर्शन होंगे और उसके बाद में अपना राम नाम माला जपते यहीं पे अपना जीवन यापन बिता चलते हैं। और हुई है बहाई राम रचिरा ढोगी पुजारी, बहुत आदमियों को तुझे जड़ी बूटी खिलाने का शौक है ना, इसकी एक बूटी खा तुझे आराम मिलेगा। डर लगता है, ठीक है, तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो हमें जो पूछना है वो बता और या फिर गोली खा। मैं शंकर भोले का भक्त हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, राम जाने। बेटा तो फिर ठीक है, मैं जानता हूं, तो अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे पिताजी का मर्डर किसने किया है। हाँ वो तो हैजा की बीमारी में पोक पोक करके मर गए। बोलता है हैजा की बीमारी, दबाओ का खून किसने और हमारे किया बाप। हमारे किया बात सच सच बताना छुपाना नहीं, और हड्डियां तोड़ डालूं गवर्ना तेरी, है धर्म सिंह को तूने ऐसे नहीं बताओगे, क्योंकि वो कहावत तो सुनी होगी ना कि लाख के भूत बातों से नहीं मानते। साले कहीं बता रहे हो हैजा की बीमारी थी, कहीं बता रहे हो कि श्यामू की माली ने खून किया। श्यामू माली मर नहीं गया, अभी जिंदा है, और मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, इसलिए साफ साफ बोल, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी आने वाली सात पुत्र तुझे पहचान नहीं पाएगी। और जो ये हाथ में माला लेकर तो राम नाम का जाप करता है ना, साले ये दे दो नहीं तो भस्म हो जाओ। इतनी शक्ति तेरे इस माला में है, तो मैं भी देखता हूं आज तुझे कौन सी शक्ति बताती है। तलाश के भूत बातों अर्थ से माने नहीं।
सुने नहीं, बात को लगता है तेरी तजा गई, बात करता है झूठी और बताता हमें, हमको लगता तेरी नहीं बोलेगा तू सच सच बताता हूँ बेटा बेटा भाई शंकर भगवान की कसम खाकर कहता हूँ श्याम ने खून किया मैंने आंखों से देखा नहीं धर्म से तुम मेरे पिताजी का खून करके नहीं जा सकते हो पिताजी मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाती हूँ कि मैं धर्म सिंह को नहीं छोड़ूंगी धर्म सिंह लगी है आग सीने में वो जमाने में लगा दूंगी और पिता की अर्थी उड़ने से पहले मैं अपने पिता की दुश्मन को दिखाई दे रहा है मैं वहीं पे जाती हूँ और धर्म सिंह को पकड़ के हेलो अभी तक नहीं आई कौन हो मैं काजल हूँ क्या करने काजल है आई मैं अपने कातिल को पकड़ने आई हूँ कौन कातिल कौन किसका कातिल है अरे धर्म सिंह तुम्हारी हवेली में घुसा है कौन कहता है मैं कह रही हूँ हट जाओ हमारी कोई दुश्मनी हट जाए मैं बोल रही हूँ हट जाए बहन हमारी बात मानो हमारा तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है सिर्फ हमें धर्म सिंह से निपटना है नहीं हटोगे क्या करोगे हम में गुस्सा मत दिलाओ हमारे अंदर खून एकदम भभक रहा है हट जाओ ये निर्वाह पे धरो पहले मैं कह रही हूँ नहीं हट नहीं मानोगी अरे क्या हुआ बेटी क्यों इतना नाराज हो रही हो पागल अरे इसने हमारे पिताजी को मार दिया है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा हाँ, हाँ, ये झूठ है नहीं सच है ये धर्म सिंह कभी ऐसा नहीं कर सकता अरे बाबा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ सिर्फ हमारी और धर्म सिंह की दुश्मनी है
तुम्हारे कहने का मतलब मैंने तुम्हारे पिताजी का खून किया। जी हाँ। लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया। फिर किसने किया? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जिसने भी किया है उसने ही हमारे परिवार को भी उजाड़ा है। क्या? शायद तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे पिता का कातिल और हमारे पिता का कातिल एक ही है। और अगर तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो ये लो रिवॉल्वर और गोली मार दो मुझे। क्या आप सच बोल रहे हैं? मैं भारत माता की कसम खा के कहता हूँ, क्योंकि एक फौजी कभी भारत माता की झूठी कसम नहीं खा सकता, मैंने तुम्हारे बाप का मर्डर नहीं किया। अगर जो तुमने हमारे पिताजी का मर्डर नहीं किया था तो तुमने भागा क्यों? मैं इसलिए वहां से भागा कि अगर तुम चिल्ला रही थी वहां गांव के लोग इकट्ठा हो जाते और मुझे मुजरिम मान लेते, इसलिए हमें वहां से भागना पड़ा। तो आखिर मैं आपको सिर्फ 15 दिन की मोहलत देती हूँ, हमारे कातिल को तुम्हें पकड़ के लाना होगा। ठीक है गाजर, जैसा तुमने कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे बाप को मारा है उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जी, जो मर्जी में आए वो सजा देना। अनिंदा, अगर जो हमारे कातिल को तुमने नहीं पकड़ के दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें मार भी सकती हूँ, तुम्हारे परिवार को मिटा भी सकती हूँ। काजल, धर्म सिंह का वादा कभी बेकार नहीं होता है, हमने तुमसे वादा किया है तो उसे निभाएंगे जरूर। बाबा, इस काजल का इस संसार में लाला कुंज बिहारी के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आज से इसे अपने मकान में ही रखो, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है बेटा धर्म सिंह, जिस झोपड़ी में मेरी बेटी रश्मि रहती है आज काजल भी उसी झोपड़ी में रहेगी। बाबा, इससे पहले कि माजरा पुलिस तक पहुंचे, पुलिस यहाँ पहुंच जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़े, इसलिए तुम लोग अंदर जाओ और मैं यहां से सीधा बियाबान की तरफ जाता हूं। धर्म, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में ऑफिसर? 302 के मर्डर केस में। 302 का मर्डर? जुर्म तो मैंने नहीं किया, लेकिन अब जरूर करूंगा, वो भी एक नहीं, पेशकस लाख का सवाई का, एक नहीं दो। इंस्पेक्टर। हाँ, मैं सुन रहा हूं। इससे पहले कि मेरे रिवॉल्वर से गोली निकले मुझे यहां से जाने दे। मैं तुम्हें यहां से जाने दू? मैं तुम्हें यहां से जाने दू? साथ तुम्हें नहीं मालूम तुम ठीक मौत के मुंह में खड़े हो, और साथ तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए इस रिवॉल्वर से निकली हुई गोली तेरे जिस्म को चलाकर राख कर देगी धर्म। तू क्या समझता तू कानून के सामने से भाग जाएगा? मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दे। रिवॉल्वर हमारे पास भी है पेड़ से, लेकिन अफसोस मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं भी एक फौज कमांडर हूं, पलक झपकते ही गोली कहीं भी से चल सकती है, इसलिए मेरा कहा मानो, इस वक्त मेरा रास्ता छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा और फिर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठहरो, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। मैं रोकूंगा तुम्हें। तो फिर ठीक है, क्योंकि इस समय तुम कानून के सामने खड़े हो और एक मुजरिम। ठीक है पीर सिंह, तुम अपने कानून का फर्ज निभाओ और मैं अपने बाप की बद का धर्म निभाता हूँ और देखता हूँ विजय किसकी होती है। गोली चाहे तुम्हारी हमारे सीने में ही क्यों ना लग जाए, सब से चलाओ ऑफिसर, लेकिन धर्म सिंह यहाँ पर रुकने वाला। धर्म, तू मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर धर्म। मैं देखता तू कहां भाग कर जाएगा। अरे कहां भाग कर जाएगा तू? मैं तेरा पीछा करता हूं धर्म। ये क्या करने जा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? क्या करने जा रहे हो? आखिर तू मुझे क्यों रोक लिया? क्यों लगता है तेरा वो? अरे जिसे तुम गोली मारने जा रहे हो तुम नहीं जानते तुम्हारा कौन है।
कौन है मेरा? उस दिन आप मुझसे पूछा था कि तुम नहीं जानते हो जिनका कत्ल किया वो मेरे कौन है, लेकिन आज वही बात है, तुम नहीं जानते हो तुम्हारा कौन है। ये तुम्हारे बड़े बाप का बेटा धर्म सिंह है। क्या मेरे बड़े बाप का बेटा धर्म सिंह? खून को खून ही कत्ल कर देगा। क्या ये मेरा भाई है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कहता हूँ। आखिर इसके पहले मैंने कभी इसे देखा नहीं, कभी नहीं इसे देखा। आखिर कौन सी दुनिया में था ये? इंस्पेक्टर साहब, मेरी गुस्ताखी माफ हो तो आपको हकीकत बता दूं। क्या हकीकत इसकी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। उस दिन आप पूछ रहे थे कत्ल तुमने क्यों किया, कत्ल मैंने नहीं किया। हकीकत यह है मेरा मालिक अमर सिंह का खून करने वाला कोई और नहीं।